Okay, hi, hello everyone. Welcome back to a new video. Welcome back to class Azad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss uses of acids. At the previous lecture, we have discussed property of the acids. That is chemical property, but today we will discuss only uses of acids. के acids को तेजाब को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल होता है. देखिए मुख्तलिफ किस्म के acids हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की uses देता है. सो आए देखते हैं कि मुख्तलिफ एसिड्स जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है. एक तो सपोज सल्फ्यूरिक एसिड्स है विच इज कॉल्ड अ किंग ऑफ द केमिकल्स. व्हाई दे कॉल्ड अ किंग ऑफ द केमिकल यू नो कि जितनी भी सब्सटेंसेस है मैक्सिमम सब्सटेंसेस में सल्फ्यूरिक एसिड या तो एज अ रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है या फिर एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है. मतलब ज़रूर जब भी कोई चीज़ बनता है इंडस्ट्रीज में तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल उसमें लाजमी होता है, या एज अ कैटलिस्ट हो या एज अ रिएजेंट्स हो या एंड सो. तो इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम किंग ऑफ द केमिकल्स कहते हैं. देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर नंबर वन. दे आर यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर. And they are used manufacturing of ammonium sulfate. They are used in manufacturing of explosive. जितनी भी धमाके खेज चीज़ें हैं सब में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है. And they are used in drugs and they are used in paint, dyes, etc. etc. But remember they are also used in as an electrolyte एंड लेट स्टोरेज बैटरी. हमारे घरों में जो बैटरी इस्तेमाल होती हैं, सुना होगा उसमें तेजाब डाला जाता है हर महीने के बाद या डेढ़ महीने दो महीने के बाद, डिपेंड ऑन यूज. वो एक्चुअल जो एसिड डालते हैं डिल्यूट फॉर्म में, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड विच एक्ट इज अ इलेक्ट्रोलाइट एंड लेट स्टोरेज बैटरी. सो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखें. MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है. MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि आपको याद हो ये सारी चीज़ें. और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल लिखे. व्हाट आर द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल यूज़ होता है नंबर वन फर्टिलाइजर्स में. याद रखें सल्फ्यूरिक एसिड जितनी भी फर्टिलाइज़र का यूरिया अमोनियम सल्फेट जितनी भी फर्टिलाइजर्स है, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स है, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, जितनी भी फर्टिलाइजर्स है सब में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा जितनी भी एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं सब इसी से बनते हैं, ड्रग्स में, पेंट में और इज अ इलेक्ट्रोलाइट एंड लेट स्टोरेज बैटरी में. तो यहाँ MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है. सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन डिश
ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कोई एक उठाया होता है, बाकी तीन नहीं होते, तो इनमें से जो है बस आपने उसको क्लिक करना है। या कभी कभार ऐसा भी एमसीक्यूज आता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज एंड, ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है, और एक ऑप्शन दिया होता है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज को क्लिक करना है। मतलब अगर आपको ये चीज़ याद है कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र, अमोनियम सल्फेट के बनाने में, एक्सप्लोसिव ड्रग, पेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ बैटरी, तो याद रखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, यूजेज ऑफ एसिड, तो वो भी आपका हो गया। आपका शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, वो भी आपका हो गया। आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ इन, या सारे दिए होते हैं या इनमें से कोई एक दिया होता है, तो आपका एमसीक्यूज भी क्लिक हो गया। तो एक टिकट में तीन मज़े, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी पॉसिबल है, शॉर्ट भी पॉसिबल है, एमसीक्यूज भी पॉसिबल है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स याद होने चाहिए, बल्कि अभी याद कर ले, दे आर यूज्ड इन व्हाट, दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर, दे आर यूज्ड टू मेक अमोनियम सल्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट, डाइज, एंड ऑल्सो दे आर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट एंड लेट स्टोरेज बैटरी। हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट जो एसिड है, दैट इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। सो क्वेश्चन दैट कि सर सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज होता है यहां पे, नाइट्रिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है? सो आए जरा नाइट्रिक एसिड की यूजेस देखिए, वो कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा ट्रिक बता देता हूँ कि जहाँ जो यूजेस आपने सल्फ्यूरिक एसिड के याद किए हैं, बस वही यूजेस दोबारा लिख दे नाइट्रिक एसिड्स की भी। जैसा कि आपने पहला क्या लिखा है, फर्टिलाइज़र, तो ये भी फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है। सेकंड क्या लिखा है, अमोनियम सल्फेट, हाँ यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है इसलिए अमोनियम सल्फेट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सल्फेट नहीं है, नाइट्रेट है, तो इसी वजह से बस सिर्फ सल्फेट की जगह आप क्या कर दे, नाइट्रेट कर दे, फर्टिलाइज़र वही कर दे, सल्फेट की जगह नाइट्रेट कर दे, एक्सप्लोसिव वही, ड्रग्स, पेंट वो भी कर दे, एंड लेस स्टोरेज बैटरी वाला याद ना करे। सो दे आर द यूजेस ऑफ व्हाट, दे आर द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यूज इन व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, manufacturing of ammonium nitrate, manufacturing of explosive drugs and paint. हाँ, but one very important use of nitric acid अक्सर MCQs में पूछते हैं, that is etching. Design on copper plate. They are very important. ये हर बच्चे को याद हो, MCQs आता है कि नाइट्रिक एसिड जो है ये यूज़ होता है etching design on copper plate. इसका क्या मतलब है etching design on copper plate? etching design का क्या मतलब है? देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी भी ग्लास के ऊपर, किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर जो लिखाई होती हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग डिज़ाइन भी बनाते हैं, कोई शीशे के ऊपर, प्लेट के ऊपर तस्वीर बना लेता है किसी बंदे का, या वो जो सिक्का देखा होगा आप लोगों ने, वो पाकिस्तानी जो सिक्का चलता है, एक रुपए, दो रुपए, पाँच रुपए, उसके ऊपर जो कैद आज़म की तस्वीर बनी है, या वहाँ पे लिखा होता है, कोई अंग्रेज़ी में लिखा होता है, कोई सेंटेंस लिखा होता है सिक्के के ऊपर, है तो नहीं सिक्का, तो आप सिखा उठा देना, उसके ऊपर वो जो कैद आज़म की तस्वीर बनी है, या साइड पे कोई चांद का निशान बना होता है, कोई लिखाई भी होती है, तो ये इसको कहते हैं एचिंग डिज़ाइन। एचिंग डिज़ाइन का क्या मतलब है? एचिंग डिज़ाइन का मतलब है कि किसी भी दांत की तख्ती पर तेजाब डालकर नक्श व निगार बनाना, एचिंग डिज़ाइन। एचिंग किसको कहते हैं? एचिंग जो है, एचिंग मतलब अगर आपसे कोई पूछे एचिंग होता क्या है, फिर आपने क्या करना है, एचिंग का मतलब है, मैं उर्दू में लिख लेता हूँ, ठपकारी, पश्तो में या पंजाबी में या उर्दू लफ्ज़ है ठप्पा,
मतलब किसी शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर, किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर वो जो टपा लगता है, वो जो टपकारी है वो एचिंग है। कैद आजम की तस्वीर देखी होगी सिक्के के ऊपर। तो एचिंग, अगर आपसे कोई पूछे एचिंग क्या है तो आपने क्या कहना है एचिंग क्या है? एचिंग का मतलब है कि किसी भी मेटल पे तेजाब नाइट्रिक एसिड डाल के उसके ऊपर जो टपकारी किया जाता है, नक्शकारी वगैरह जो लोग बनाते हैं उसको हम एचिंग डिज़ाइन कहते हैं। सपोज़ ये बोर्ड जो है, ये अगर मेटल प्लेट है, कोई दांत है, मेटल है, अगर इसके ऊपर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई नाम लिखना है, तो क्या कर लें, इस शीशे के ऊपर, इस दांत के ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर पहले नाइट्रिक एसिड डाल दें, नाइट्रिक एसिड डाल दें, फिर जब आप नाइट्रिक एसिड डाल देंगे तो उसके बाद कील की मदद से या अपने ब्लेड्स होते हैं उसकी मदद से कोई भी डिज़ाइन आप इस मेटल प्लेट के ऊपर बनाएंगे तो ये बनेगा। लेकिन शर्त ये है कि उस मेटल प्लेट के ऊपर आपने नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा डालना है, नाइट्रिक एसिड मेटल प्लेट के ऊपर, फिर आप जो भी तस्वीर बनाना चाहते हैं, जो भी टप्पा बनाना चाहते हैं, आप जो लिखना चाहते हैं वो फिर आप लिख सकते हैं। इसको एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? नाइट्रिक एसिड का है, दैट इज़ एचिंग डिज़ाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके अलावा जो तीसरा एसिड है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या नाइट्रिक एसिड हुआ, आप इसे याद कर लें। नाइट्रिक एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? अगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इस्तेमाल, फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, एक्सप्लोसिव चीज़ें बनाने में, ड्रग्स एंड पेंट बनाने में, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एचिंग डिज़ाइन में। एचिंग डिज़ाइन का मतलब है कि किसी भी मेटल के तख्ती पर तेजाब डालकर टपकारी करना या कोई भी चीज़ लिखना, दैट इज़ नोन एज एचिंग। तीसरा जो एसिड है That is known as nitric acid. That is known as nitric acid. I'm sorry. That is known as HCl. HCl के ज़रा uses देखते हैं कि HCl कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए HCl इस्तेमाल होता है, HCl इस्तेमाल होता है, एक तो इस्तेमाल होता है क्लीनिंग ऑफ मेटल। कोई भी मेटल को अगर साफ करना हो तो ऊपर से तेजाब डाला जाता है, दैट इज HCl। और इसके अलावा इस्तेमाल होता है टैनिंग में। किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? टैनिंग में। अब आप कहेंगे सर मेटल को साफ करना HCl से, वो तो क्लियर है, ये टैनिंग से क्या मतलब है? देखिए टैनिंग से मतलब है, अभी आगे ईद उल अज़हा, मतलब आप लोग कुर्बानी भी करेंगे, तो टैनिंग का मतलब है कि अगर आप बेंस का कोई चमड़ा ले लें, कोई भी काल शाल, तो काल को, स्कैन को चमड़े में कन्वर्ट करना। ये जो कुर्बानी करके आप लोग काल शाल जो बेचते हैं, वो एक्चुअल उस काल पे क्या होता है? काल पे जो है आगे उसे लेदर बनाया जाता है। तो काल से जो लेदर बनता है, स्कैन से जो लेदर बनता है, इसको टैनिंग कहते हैं। उसमें HCl का बहुत बड़ा हाथ है। सो टैनिंग का मतलब है स्कैन या जो हाइड्स होता है उससे लेदर बनाना, इसको हम टैनिंग कहते हैं। और इसके अलावा HCl यूज़ होता है इन पेंटिंग इंडस्ट्री। ये जो पेंटिंग इंडस्ट्री है, दीवारों पे जो लिखते हैं या इसके अलावा छत के ऊपर जो मुख्तलिफ डिज़ाइन करते हैं, पेंटिंग इंडस्ट्री में HCl बहुत इस्तेमाल होता है। टैनिंग में, स्कैन को चमड़े में कन्वर्ट करना बड़ा इस्तेमाल है,
और मेटल को क्लीन करना, इसमें भी HCl इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और एसिड है, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आपने क्या करना है कि बेंजीन रिंग के साथ COOH आ जाए, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग के साथ HCl का आना, दैट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इस्तेमाल होता है एंड फूड प्रिजर्वेशन। बस इतना याद रखिए, अगर फूड को प्रिजर्व करना है तो बेंजोइक एसिड जो है इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेशंस में। इसके अलावा जो हमारा लास्ट एसिड है, दैट इज नोन एज एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड सिरका घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है, किचन वगैरह में पड़ा होता है एसेटिक एसिड। जब लोग खाना शाना खाते हैं, जो सलाद बना होता है, तो सलाद के ऊपर सिरका डाल देते हैं, दैट इज एसेटिक एसिड। क्यों डालते हैं सलाद के ऊपर सिरका, या सालन में भी थोड़ा सा मिलाया जाता है? बिकॉज दैट इज फ्लेविंग ऑफ फूड। खुराक जो है उसको जायका देता है, इसलिए हम इसके ऊपर एसेटिक एसिड डालते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लेवरिंग फूड। और इसके अलावा फ्लेवरिंग फूड, इसके अलावा एसेटिक एसिड यूज होता है फूड प्रिजर्वेशंस में भी। फूड प्रिजर्वेशन हम किससे करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन हम करते हैं इससे, लेकिन ऐसे भी कर लेते हैं। और तीसरा जो इस्तेमाल है, एट इज यूज एन क्योर ऑफ स्टैंग वेस्प। कभी कभार जब बंदा बाइक पे चलता है तो अक्सर जो है मक्खी डांक लगा देता है, काट देता है, तो सारी बात है वहाँ पे क्या होगी? सूजन होगी। तो मक्खी जब कोई डांक शांक लगा देते हैं तो उसके ऊपर जो है उसके इलाज के लिए हम एसेटिक एसिड, अगर आप ऊपर से थोड़ा सा एसेटिक एसिड डाल दें तो जो डांक लगाया है मक्खी ने वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब उसका इलाज जो है वो एसेटिक एसिड से किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिड। पांच एसिड्स मैंने बता दिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड लास्ट एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है? फूड के ऊपर जायके के लिए, फूड फ्लेवरिंग फूड, सेकंड फूड प्रिजर्वेशन, और तीसरा जो है क्योर ऑफ स्टैंक ऑफ फेस। कोई मक्खी अगर डांक लगा दे तो फिर उसके इलाज के लिए भी एसेटिक एसिड इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशंस में। HCl किस में इस्तेमाल होता है? याद रखिए बेटा, HCl इस्तेमाल होता है टैनिंग में, ये जो काल शाल है उससे लेदर बनाना, और इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ मेटल में, और इसके अलावा पेंटिंग इंडस्ट्री में। किसमें? पेंटिंग इंडस्ट्री में। नाइट्रिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, ड्रग्स पेंट बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, एचिंग डिज़ाइन। एचिंग डिज़ाइन का मतलब है किसी मेटल प्लेट के ऊपर नाइट्रिक एसिड डाल के कोई डिज़ाइन करना, दैट इज एचिंग। और जो लास्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ अ किंग ऑफ द केमिकल, दैट इज़ यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डाइज, एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट एंड लेट स्टोरेज बैटरी। सो थैंक यू वेरी मच for watching this video.